देखो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये हमें डेटा दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, इसका मीन बताना है। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है, कॉन्टीन्यूस डेटा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। कॉन्टीन्यूस का मतलब है 10 पे ख़त्म हो रहा है या 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसे हम क्या लिख देते हैं, FI, यही क्या होती है FI। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क, और उसे हम क्या बोलते हैं, XI। अब वो कैसे आएगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, 20 प्लस 30, 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, 30 प्लस 40, 70, 70 डिवाइडेड बाय 2, 35, 40 प्लस 50 कितना, 90, एंड 90 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 45। ये आ गया, हमें FI पता है, XI पता है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है मीन का, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ XI FI अपॉन सम ऑफ FI। देखो इन्हें सम कर लेंगे ना हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ FI मिल जाएगा, ठीक है। देखो लेकिन हमें XI FI का सम चाहिए, तो हमें XI FI फाइंड करना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बनेगा यहाँ पर, क्या, XI into FI, यानी कि इसे और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 8 × 5 = 40, 12 × 15 कितना आ जाएगा, 15 है, ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 6, ये आ गया कितना, 180, ठीक है, ये कितना, 250, 11 × 35 ये कितना आ गया, 385, 45 × 9, ठीक है, ये कितना आया, 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 18, ये आ गया 405, ठीक है। अब इसका सम कर लो, सम ऑफ XI FI, ठीक है। अब देखो 20, 30, ठीक है, और 40, 50, तो ये कितना आ गया, 50। अब यहाँ ऐड कर लो, 5, 5, 10, 0, ठीक है, उसके बाद 8, 1, 9, ठीक है, 9, 8, 8, 16, ठीक है, 16, 4, 20 और 6, ये आ गया, ठीक है, उसके बाद 12, तो ये क्या आ गया, 1260, सम ऑफ XI FI, बस वैल्यू रख दो, सम ऑफ XI FI 1260 अपॉन में कितना, 50, 0 से 0 गया, 126/5, तो ये कितना आया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, यानी कि 25.5, तो मीन कितना आ गया, 25.5। ये क्या था तुम्हारा, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आया, सम ऑफ XI FI अपॉन सम ऑफ